गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ओके नाइन में से फोर गया तो कितना बचा? फाइव। ओके सिक्स में से वन गया तो फाइव। थ्री में से फाइव गया, टू नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। तो देखते कुछ और लॉजिक सोचते हैं बच्चों। नाइन वन फाइव में से डायरेक्ट माइनस कर सकते हो थ्री सिक्स और फोर। वन फाइव और फाइव, यस। मतलब कि जो टॉप की जो वैल्यू है इनका एड, इन में से बॉटम वाली वैल्यू को माइनस कर दे। हो सकता है कि नीचे वाले से ऊपर माइनस करे, ऊपर वाले से नीचे माइनस कर। मैंने कहा नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। तो चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में। ओके यहां पर क्या दे रखा है उन्होंने आपको? सेवन एट और नाइन, तो फाइव फोर और थ्री दिया हुआ है। ओके इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सिक्स आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? फोर। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? टू। टू फोर सिक्स, तो सेम यहां से भी हम लोग निकालेंगे अपना आंसर। तो आंसर कितना है मेरे पास में? एट सिक्स और थ्री, टू फोर और वन। डिफरेंस निकाले टू, तो टू तो भाई इसमें भी है, इसमें भी है, ये और ये तो मेरा कट गया, क्योंकि और थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन भी तो लेंगे हम लोग। तो यहां से कितना गया मेरा? थ्री टू गया। इसमें से ये गया तो मेरा कितना बचेगा? टू। तो देखो टू किसमें डबल वाला? टू इसमें, यानी कि ऑप्शन तो मेरा बी ही करेक्ट होगा। अब आइए बात करते हैं इसको। टू तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? सिक्स। सिक्स टू टू, तो ये मेरा आंसर क्या आया? सिक्स टू टू, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। आपका क्या आंसर है? आप अपना आंसर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। क्या क्या इसने जो टॉप की वैल्यू है, ये तीन टॉप की वैल्यू है और ये तीन बॉटम की वैल्यू, इनको आपस में से माइनस किया है पूरी पूरी डिजिट लिखकर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आप इसे ट्राई कीजिए और हम मिलते हैं अगली सुबह 7 बजे आपके साथ इसके सॉल्यूशन के साथ में। ओके बाय बाय।